तो इससे हम लोग बात करने वाले, यदि मान लीजिए आप यहाँ पर अरेबिया कंट्री में जाना चाहते हैं और जा करके वहाँ पर जॉब करना चाहते हैं, तो कितने टाइप का आपको यहाँ पर वीज़ा देखने के लिए मिलता है और किन वीज़ा को आपको अप्लाई करना चाहिए और कितने टाइप के आपको जॉब देखने के लिए मिलते हैं करंटली जेंस, तो उन सभी के बारे में डिटेल में जानने वाले हैं। और इसके अलावा यदि मान लीजिए आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर चाहिए, जो भी डॉक्यूमेंट है उसे चेक कराना चाहते हैं, तो इस वीडियो में शुरू से लास्ट तक देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर देखने के लिए मिल जाएगा और उस व्हाट्सअप नंबर को आप यूज़ करके जो भी डॉक्यूमेंट होता है उसे आप हमें सेंड कर सकते हैं, आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पर चेक हो जाएगा। तो सिंपली चलिए बात करते हैं कितने टाइप के आपको वीज़ा देखने के लिए मिलते हैं और किन वीज़ा को आपको अप्लाई करना चाहिए यदि मान लीजिए आप यहाँ पर वर्क करने के लिए जाते हैं जेंट्स। तो सिंपली सबसे पहला वीज़ा आपको देखने के लिए मिल जाए टाइप ए जेंट्स। तो यह वीज़ा यदि मान लीजिए आप यहाँ पर डिप्लोमा करने के लिए जा रहे हैं, फिर स्टडी के लिए जा रहे हैं, तो सिंपली जो कि यह वीज़ा है टाइप ए, सिंपली इसको अप्लाई कर सकते हैं। फिर मान लीजिए किसी कंसल्ट मिशन के लिए जा रहे हो तब भी यह वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं जी हाँ। तो इसके अलावा जो कि यहाँ पर दूसरा वीज़ा है वीज़ा टाइप सी जी हाँ, तो यह वीज़ा यदि मान लीजिए आप यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए जा रहे हैं, यदि मान लीजिए 60 दिन, 30 दिन या फिर 90 दिन के लिए आप यहाँ पर अरेबिया कंट्री में जा रहे हैं घूमने के लिए, तो ऐसे में जो कि यहाँ पर वीज़ा टाइप सी है इसे आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो कि यहाँ पर तीसरा वीज़ा आपको देखने के लिए मिलता है वीज़ा डी, तो यह वीज़ा यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए, यदि मान लीजिए साल भर 2 साल के लिए आप यहाँ पर काम करने के लिए जा रहे हैं, तो जो कि यहाँ पर वीज़ा डी है इसे आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आप यहाँ पर काम भी कर सकते हैं, वहाँ पर रह भी सकते हैं जी हाँ। तो सिंपली जो कि आपका वीज़ा डी है इसे आपको अप्लाई करना चाहिए यदि मान लीजिए आप वर्क करने के लिए जाते हैं अरेबिया कंट्री में। इसके अलावा यहाँ पर बात करते हैं अगले वीज़ा की। अगला वीज़ा आपको जनरल रिक्वायरमेंट वीज़ा देखने के लिए मिलता है और यदि मान लीजिए इस वीज़ा को अप्लाई करना चाहते हैं, तो इसके लिए यहाँ पर फुल डिटेल अभी हम लोग बात करेंगे। सिंपली अगला वीज़ा आपको देखने के लिए मिलता है रीज़न फॉर स्टे इन अरेबिया कंट्री जी हाँ। तो सिंपली यदि मान लीजिए कोई रीज़न है, आपके फैमिली रिलेटेड कोई यहाँ पर रहते हो, या फिर जी आप किसी रीजन की वजह से जो कि यहाँ पर अरेबिया कंट्री वहाँ पर जाना चाहते हैं, तो इस वीज़ा के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास एक वैलिड रीजन होना चाहिए अरेबिया कंट्री में जाने के लिए जी दोस्तों। तो सिंपली बात करते हैं जो कि यहाँ पर जनरल वीज़ा रिक्वायरमेंट है इसको यहाँ पर लेने के लिए क्या करना होगा, कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा जी दोस्तों। सबसे पहला तो आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए जिसकी यहाँ पर वैलिडिटी होनी चाहिए जी दोस्तों। यदि मान लीजिए आप जो कि आपका पासपोर्ट होता है उसकी वैलिडिटी यहाँ पर 3 मंथ या फिर मान लीजिए आप 3 मंथ से ज़्यादा है, तो सिंपली आप इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना चाहिए और यहाँ पर एक वैलिड लेटर होना चाहिए जो कि इनविटेशन लेटर होता है। यदि मान लीजिए आप अरेबिया कंट्री में जाना चाहते हैं और वहाँ पर जो कि कंपनी उनके तरफ से इन्विटेशन आपको लेटर मिला है, तो उसका भी यहाँ पर फोटो कापी या फिर मान लीजिए ओरिजिनल ही आप यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो कि वीज़ा अप्लीकेशन फॉर्म होता है उसको भी आपको भर करके सबमिट करना होगा जी हाँ। तो यह वीज़ा अप्लीकेशन फॉर्म जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरन अफेयर्स है, सिंपली इनके साइट पर आपको देखने के लिए मिलेगा। इनका लिंक हम लोग यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। और जितना भी डिटेल हमने बताया इनके जो कि यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरन अफेयर्स है इनके वेबसाइट पर रजिस्टर है, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो सिंपली यह वीज़ा यहाँ पर लेने के लिए आपके पास यहाँ पर सफिशियंट बैलेंस भी होना चाहिए आपके बैंक अकाउंट में, ताकि वहाँ पर जाएँ तो आप अच्छे खासे से यहाँ पर रह सकें जी हाँ। तो इसके अलावा यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस भी आपके पास होना चाहिए और वीज़ा फ़ी भी होना चाहिए जी हाँ। तो वीज़ा के लिए भी आपको यहाँ पर फ़ी पेमेंट करना पड़ता है, तो सिंपली यह सभी रहेगा तो जो कि यहाँ पर जनरल वीज़ा रिक्वायरमेंट है सिंपली आप इसे ले सकते हैं। और यदि मान लीजिए काम करने के लिए जाते हैं, तो जो कि एजेंसी होती है या फिर एजेंट होते हैं उनके थ्रू भी आप यहाँ पर यह वीज़ा बनवा सकते हैं। इसके अलावा यदि मान लीजिए आप लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हैं, तो सिंपली जो कि यहाँ पर वीज़ा डी है उसको आप अप्लाई कर सकते हैं और उसमें आपको अच्छी खासी फैसिलिटी भी देखने के लिए मिलेगी। अब यहाँ पर बात करते हैं कौन यहाँ पर काम है जो कि यहाँ पर अरेबिया कंट्री में रिक्वायरमेंट है जी हाँ। तो आपको टीम ड्राइवर का, इसके अलावा यहाँ पर मॉनिटरिंग एबुलेशन एसोसिएट का, बैकएंड डेवलपर पीएचपी हो गया, जावा हो गया, पाइथन हो गया, तो इस सभी लैंग्वेज में जो भी यहाँ पर डेवलपर होते हैं जैसे कि एप्स डेवलपर, वेब डिजाइनर, तो इस टाइप के भी आपको जॉब देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा इंस्टॉलर हो गए जैसे कि सर्वर इंस्टॉलर या फिर मान लीजिए जो कि यहाँ पर विंडोज इंस्टॉलर होते हैं, इस टाइप के भी जॉब आपको देखने के लिए मिलता है। ऑफिस असिस्टेंट का भी जॉब आपको देखने के लिए मिल जाता है। और यही नहीं दोस्तों, लेबर में जाएंगे तो यहाँ पर लेबर का जॉब, लेबर वर्कर, इसके अलावा प्रोजेक्ट मैनेजर, और यहाँ पर जो कि प्लम्बर होते हैं प्लम्बर का भी जॉब यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको कंस्ट्रक्शन पेंटर, इसके अलावा रिपेयर वर्कर, सुपरवाइजर, हाईवे मेंटेनेंस वर्कर या फिर ऑपरेटिव का जॉब देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा लेबर वर्कर का भी आपको जॉब अवेलेबल देखने के लिए मिलता है। और जो कि यहाँ पर टेक्निकल सेल्स एसोसिएट है उनका भी जॉब आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। तो इन सभी टाइप के आपको जॉब देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा ड्राइवर्स में जाएंगे तो
लाइट ड्राइवर, हैवी ड्राइवर, इसके अलावा जो कि यहाँ पर फार्मर्स होते हैं वर्क फार्मर, तो उनका भी जॉब आपको इस कंट्री में देखने के लिए मिलता है। यदि मान लीजिए जो भी यहाँ पर जॉब हमने बताया इनसे रिलेटेड आपको यहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, सिंपली वहाँ से आप यहाँ पर जेन्युइन साइट है, आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो कि आपका CV है और यहाँ पर कवर लेटर है, रिज्यूम, इसे आपको तैयार करना होगा, उसके बाद बहुत ही आसानी से आप इन जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ तो कौन सा जॉब है सर्बिया कंट्री में यहाँ पर देख सकते हैं, फर्स्ट नंबर पर आपको टीम ड्राइवर्स का जॉब देखने के लिए मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर मेटल ऑन व्हील्स कुक का आपको ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, मॉनिटरिंग एंड एवलेशन एसोसिएट का, इसके अलावा ज्वाइन द टीम, तो इस टाइप के आपको यहाँ पर जॉब देखने के लिए मिल जाते हैं। और यही नहीं दोस्तों, बैकएंड डेवलपर, इंस्टॉलर, और आपको देख सकते हैं फ्रंट टीम लीड, जी दोस्तों, तो कुछ इस टाइप से आपको यहाँ पर जॉब देखने के लिए मिलते हैं। और यही नहीं दोस्तों, इसमें आप अप्लाई भी करना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और यह जॉब तो अभी देख सकते हैं तुरंत ही आया है, इसमें आपको फील्ड मार्केटिंग मैनेजर का रिक्वायरमेंट है, अभी न्यू जॉब है। इसके अलावा नीचे की तरफ जाएंगे तो और भी बहुत सारे न्यू जॉब अवेलेबल रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि देख सकते हैं मार्केट डेवलपमेंट मैनेजर, इसके अलावा कम्युनिटी डेवलपर, और यहाँ पर कंट्री सेल मैनेजर, तो रजिस्टर नर्स, इसके अलावा यहाँ पर फाइनेंस एनालिस्ट और इकोनॉमिक डाटा साइंटिस्ट। जी हाँ दोस्तों, तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर जॉब देखने के लिए मिलते हैं। और यही नहीं दोस्तों, इसके अलावा यहाँ पर जो कि यहाँ पर आपको फ्रंट में जॉब देखने के लिए मिलते हैं, ये लेटेस्ट साइट है दोस्तों, इस पर आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। और सिंपली जॉब को सर्च करने के लिए आपका जो कि ब्राउज़र होता है, यहाँ पर आपको सर्च कर लेना होगा जॉब इन सर्बिया कंट्रीज, तो क्योंकि यहाँ पर लेटेस्ट जॉब आपको देखने के लिए मिलेगा। यदि मान लीजिए आप कुछ इस तरह से सर्च करते हैं, देख सकते हैं जनरल हेल्पर फॉर सर्बिया कुछ इस तरह से, और यहाँ पर नीड बिल्डर फॉर सर्बिया कुछ इस तरह से, यह सभी जॉब आपको देखने के लिए मिलता है। यदि मान लीजिए आप यहाँ पर जॉब करना चाहते हैं तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, पार्टनर आपको देखने के लिए मिल जाता है, पार्टनर मार्केटिंग लीड, और टेक्निकल प्रोजेक्ट मैनेजर, तो प्रोडक्ट मैनेजर, तो नेक्स्ट पर यदि मान लीजिए आप क्लिक करते हैं तो जितने भी यहाँ पर जॉब रहेंगे उन सभी का लिस्ट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। और इसमें यदि मान लीजिए आप यहाँ पर चाहते हैं अप्लाई करना तो बहुत ही आसानी से अप्लाई भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और इसके अलावा एक साइट और है जो कि आपको लेटेस्ट जॉब यहाँ पर सर्च करके देता है, जहाँ से आप अप्लाई भी कर सकते हैं कुछ इस तरह से, LinkedIn.com। जी हाँ दोस्तों, तो सिंपली यहाँ से भी आप बहुत ही आसानी से जितने भी यहाँ पर जॉब आपको देखने के लिए मिलते हैं अप्लाई करने के लिए इस पर क्लिक करना होगा, उसके बाद सिंपली अप्लाई पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर सिंपली इसमें अपना ID लॉगिन कर लेना होगा। जी दोस्तों, लॉगिन करने के बाद आप बहुत ही आसानी से जो भी आपका यहाँ पर जॉब है इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपको यदि मान लीजिए सेलेक्ट किया जाता है तो आपको हायर कर लिया जाएगा, और कंपनी की तरफ से आपको यहाँ पर टिकट, वीज़ा और रहने खाने का व्यवस्था यह सभी फ्री देखने के लिए मिलेगा। तो कुछ इस तरह से यदि मान लीजिए यह जॉब है बिल्डर्स का, जी दोस्तों, तो इस पर हम लोग क्लिक करते हैं और अप्लाई पर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपका यहाँ पर फर्स्ट नेम लास्ट नेम आ जाएगा। यदि मान लीजिए आप अपने जीमेल से साइन इन किए हैं तो उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, और नेक्स्ट करने के बाद अगला स्टेप पर आपका जो कि रिज्यूम होता है, इसके अलावा यहाँ पर बिल्ड ए इंडीड रिज्यूम कुछ इस तरह से आप बिल्ड करके अप्लाई कर सकते हैं। तो यही रहा मेथड दोस्तों, आप बहुत ही आसानी से इस मेथड को यूज करते हुए जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और सर्च भी कर सकते हैं। सर्बिया कंट्री में आपको अच्छा खासा यहाँ पर जॉब और फैसिलिटी, इसके अलावा पैसा भी देखने के लिए मिलेगा। तो हमें उम्मीद आप समझ गए होंगे कौन सा जॉब है, कितने टाइप के आपको वीज़ा देखने के लिए मिलते हैं और किन वीज़ा को आपको अप्लाई करना चाहिए, और जो कि जनरल वीज़ा रिक्वायरमेंट है उसको अप्लाई करने के लिए क्या क्या वैलिड डॉक्यूमेंट चाहिए, उन सभी के बारे में आप जान गए होंगे। तो इसी तरह से और जानकारी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, और कोई सवाल या सुझाव तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।